मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इन दिनों कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई के बारे में सेलिब्रिटी से लेकर उनके फैंस तक गपशप कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब कपिल ने अपनी टीम के साथ बदतमीजी की हो। इस बार सब कुछ पब्लिक के सामने हुआ, इसलिए मामला सामने आ गया। हाल ही में कपिल के बारे में फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी एक बड़ा बयान दिया है। राजू के अनुसार कपिल कामयाबी के दबाव को झेल नहीं पा रहे। मुझे नहीं लगता है कि वो बदतमीज है, मुझे बस लगता है कि वो आने वाले दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। राजू आगे कहते हैं, उन्होंने कभी भी मुझसे बदतमीजी नहीं की, लेकिन शो के सेट पर काम करने वाले टेक्नीशियन और बाकी कलाकारों ने मुझे बताया है कि वो किस कदर शराब पीने के बाद गुस्सेल हो जाते हैं। सभी कहते हैं कि होश में वो पूरी तरह ठीक होते हैं, बदलाव उसमें शराब पीने के बाद ही आता है। ये बहुत बुरा है, लोग हमसे तभी प्यार करेंगे यदि हम शराब पीने के बाद भी वैसा ही बर्ताव करें। राजू ने यह भी बताया कि कपिल सुनील ग्रोवर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस समय मुंबई में नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में सुनील ग्रोवर की गैर मौजूदगी पर कपिल शर्मा ने कॉमेडियन सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव और एहसान कुरैशी के साथ एक स्पेशल एपिसोड शूट किया था, लेकिन इतने सितारों के बावजूद कपिल के शो की टीआरपी नीचे गिर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल अपनी टीम के अलावा शो पर मौजूद ऑडियंस के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं। पिछले दिनों जब शाहरुख उनके सेट पर आए थे तो उन्होंने किसी भी ऑडियंस को उनसे मिलने नहीं दिया था। साथ ही जब विद्या बालन उनके शो पर पहुंची थी तो कपिल शर्मा ने उन्हें 6 घंटे तक इंतजार करवाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।